हेलो मेरे किसान भाइयों, आज हम आपको सोलर पैनल की जानकारी देना चाहते हैं। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी, जितना हमें मालूम है आज सब हम आपको बताने जा रहे हैं। सोलर पंप कैसे लगवाया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे कहाँ खतौनी और क्या कागज़ लगते हैं, आज सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग हमारा YouTube चैनल लाइक नहीं करते हैं। समस्या इस बात की, अगर आप लोग लाइक करें तो हमारा हौसला और बढ़े, हम आपको काफ़ी वीडियो आपको भी देते रहेंगे। आप देख लीजिए, ये हमारे खेत पे ये 6 पैनल लगे हुए हैं, जो कि एक पैनल 300 वाट का है और ये 24 वोल्ट का है। 6 पैनल हैं और ये अभी अभी लगा है, लगभग ये हमको लग रहा 26 या 27 मार्च को लगा है। और ये आप देख सकते हैं, देखो ये आप कब दिखाने आपको जा रहे हैं, ये जो है कंट्रोलर है, ये देखिए। आपको धूप लग रही दिख नहीं रहा, अभी आप दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये जो है एक MCV लगी हुई है, ये एक MCV है और ये उसका जो है कंट्रोलर है। और इसमें एक स्क्रीन भी लगी हुई है, देखिए इसमें आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है, इसमें जो जो भी आता है रन ओके और कितना वोल्टेज आ रहा है क्या है सब कुछ उसमें आता है। ये लगभग 2 से 2.5 फीट नीचे गड़ा हुआ है, अभी हमने इसको ऐसे गड़वा दिया है क्योंकि इसमें सीमेंट नहीं लगाया है, क्योंकि इसको हम थोड़ा ऊपर लगाना चाहते हैं छत के ऊपर। और दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि ये चोर लोग जो है पैनल खोल जाएंगे, इसमें पैनल खोलने वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके जो बोल्ट होते हैं वो कुछ दूसरी टाइप के होते हैं जो लॉक हो जाते हैं। जैसे ये आप देखिए, यहाँ पे पैनल है, ये पैनल है, इसका एक ये बोल्ट लगा हुआ है, अगर इसको हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये बोल्ट लॉक हो जाएगा, उसके बाद पैनल कभी खुलेगा नहीं। और ये देखिए हमारा कंट्रोलर है जो रोटोसॉल कंपनी का है, ये बहुत अच्छा है माना जाता है मोटर के बारे में। रोटोसॉल की मोटर भी है और रोटोसॉल का हमारा कंट्रोलर भी है, MCV है, ये सारा सिस्टम तार वगैरह जितना कुछ भी लगता है ये सब लोग गवर्नमेंट के जो थ्रू लोग होते हैं वो लगाने आते हैं, आपके घर पे आते हैं, सामान डाल देते हैं, उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन लगाने आते हैं। इसमें आपको कोई भी एक रुपये फालतू खर्चा करना नहीं है, ना तो आपको कभी किसी कहीं भी दौड़ना है। बस ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 6 महीने का, लगभग कम से कम 6 महीने का टाइम लग जाता है। ये है देखिए, ये हमारे पैनल हैं, जो दो दो पैनल जो है सीरीज में है, फिर पैरेलल इसका हुआ है, ये कनेक्शन है, ये एक वायर आया है देखिए पैनल से, और एक MCV में होता हुआ ये वायर आया है। और यहाँ पे नीचे हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो है ये जहाँ पे हमारी उंगली है ये इससे स्विच है, ये स्विच से मोटर बंद या चालू की जाती है। अब आओ थोड़ा इधर दिखा दें, ये हमारी अर्थिंग है, ये कॉपर की सरिया है, करीब लगभग ये 5 फीट की है, जो मिट्टी में ज़मीन में धंसी हुई है, गाड़ दिया गया है इसको। और ये देखें आप, ये देखेंगे ये वायर यहाँ से बंधा हुआ है, देखिए ये यहाँ से होता हुआ इस सरिये में आया है। फिर आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये जो लगा है पाइप, इसके नीचे पता नहीं कोई सीमेंट जैसा एक कुछ होता है केमिकल, वो नीचे पड़ा हुआ है इसके गड्ढे में। और ये देखें, ये
जो आकाशीय बिजली होती है उसको जो है ये पैनल पे नहीं गिरने देती है। नुकसान नहीं होता है, बिजली कड़के या गिरे तो पैनल पे हमारे नहीं गिरेगी। और देखिए कंट्रोलर से होता हुआ एक वायर, ये वायर है, ये देख लीजिए, ये वहाँ से कंट्रोलर होता हुआ, ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हमारा वायर गया है और ये वायर हमारी मोटर में गया है, उस वाली मोटर में। आप लगभग दिन का 10 बजा है, 10 के आसपास ही कुछ है, 10:15 ऐसा है, तो आप इसका परफॉर्म देख लीजिए कितनी फोर्स से पानी देता है। और हमारा मानना है कि ये कहीं इंजन से ज़्यादा पानी है, कम नहीं है। देख लीजिए, ये देखिए इधर हमारा पानी जा रहा है, इधर हमारे खेत की मेंथा की सिंचाई हो रही है। और क्या है कि दोस्तों एक बार जब लग जाता है तो उसके बाद हमारा एक रुपये का खर्चा बिल्कुल नहीं है, कोई जीरो, एकदम जीरो कास्ट। ये देखिए रोटरसाल की मोटर है, रोटरसाल कंपनी की, इसके मुंह पे 3 इंची का पाइप लगा हुआ, बैंड जो है 3 इंची का है। ये देखिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये हमारे वायर कनेक्टर हैं और लगभग 3-6 इंच पानी है। तो आप ये मान लीजिए कि इंजन से कहीं ज़्यादा है, कम नहीं है। ये देखिए इंजन से, क्योंकि अब 6 इंच पानी हो गया ना, इंजन बहुत अगर देता है तो 4 इंच, फोर्स लगभग इतना ही होता है, या भाई इससे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पानी जो है इंजन से कम नहीं है, इंजन से ज़्यादा है। और हम तो भाई इसको एक दिन चलाए हैं तो देखे हैं, लगभग 11 बीघे की सिंचाई एक दिन में मेंथा की कर देता है, दोनों हमारे पंप 13 बीघा डेली पर डे सिंचाई करते हैं। ये इसका जो है सेक्शन है, और ये सेक्शन, ये हमारी बोरिंग है, देखिए ये देख लीजिए, बोरिंग में पाइप पड़ा हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देख लीजिए, ये हमारी 4 इंच की बोरिंग है, उसमें ये पाइप पड़ा हुआ है, ये देखिए। और इस सेक्शन में नीचे फुटबॉल लगा हुआ है, उसमें वाल भी लगी हुई है, ये देखिए। और एक ये हमारी दूसरी बोरिंग है, ये हमारी क्या है कि ये पुरानी बोरिंग है थोड़ा, इसलिए मोटर कुछ पानी कम, हल्का 19-20 है, कुछ कम है इसमें पानी। और ये हमारी नई बोरिंग है, और ये हमारा इंजन है, पहले हम इंजन से सिंचाई करते थे, काफ़ी खर्चा आ जाता था, लेकिन अब जो है मोटर से जब सिंचाई होती है पैनल से, तो हमारा जीरो कास्ट आता है। तो देख लीजिए ये दो मोटरें हैं, और हमारा दूसरा सेट जो है इस वाले का, ये एक इधर से देखे वायर आया है, एक इधर हमारा पैनल लगा हुआ है। हमने 2 सेट लिए हैं, ये 2 HP के हैं, DC 2 HP DC मोटर, एक इधर है और आप देख लीजिए एक उधर लगा हुआ है, 2 सेट लगे हुए हैं। सेम प्रोसीजर वही है, कंट्रोलर MCV जैसे उसमें है वैसे इसमें भी लगा हुआ है, ये देखिए। तो आप लोग किसान भाई देख लीजिए, बहुत फायदे की चीज़ है, क्योंकि डीजल तो अब हम टंकी पर अगर लेते हैं तो लगभग 85 रुपये के आसपास में है लीटर। और ये देख लीजिए पानी कम नहीं है, इंजन से ज़्यादा है, क्योंकि इंजन से हम बहुत खींच कर सींचते थे, तो लगभग 10 बीघे 10.5 बीघे बस इतने में, मतलब उसमें अंधेला भी हो जाता था। और ये क्या है, 8 बजे से स्टार्ट होता है और शाम को 5 बजे तक थोड़ा थोड़ा पानी डाउन होने लगता है, और भी इसका पानी और बढ़ेगा, जब वही 11-12 के करीब समय होगा तो इसका पानी इतना तेज़ होगा कि अब क्या बताएं, ये नाली जो है पानी क्रॉस नहीं कर पाती है, तो हमको एक सबसे आगे पानी ले जाते हैं, दूसरा जो है बीच में ही काट दिया जाता है, क्योंकि नाली जो है पानी क्रॉस नहीं कर पाती है।
ये देखिए पैनल है, इसमें खर्चा कुछ नहीं है, मेंटेनेंस इसमें भी कुछ नहीं है, खाली आपको महीने दो महीने में ये जो पैनल हैं इस पर धूल जम जाती है तो पानी डाल के उस पर जो है वाइपर वगैरह चला दिया जाए तो धूल साफ़ हो जाती है। इससे हमारे जो है वोल्टेज जो है बढ़िया आता रहता है मोटर को। आप देख लीजिए ये पानी चल रहा है और इसकी जो है हम एक कोठरी बनवाने वाले हैं, इसलिए ये देखिए यहाँ ईंटा भी है, क्योंकि ये जल्दी लगा है तो हम कुछ कर नहीं पाए हैं। फिलहाल ऐसे मोटर रखी हुई है और सब ऐसे जिस तरह लगा गए थे जल्दबाजी में उसी तरह जल्दबाजी में ये सब काम चल रहा है उल्टा सीधा। अब इसका जो है हम एक यहाँ पे कमरा बनवाएंगे और कमरे में मोटर और कंट्रोलर वगैरह सब कमरे के अंदर कर देंगे और उसमें इंजन भी पड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग आलू आलू का काम करते हैं ना, तो जब आलू बोया जाता है तो उस समय हो सकता है दिक्कत आए, क्योंकि भी पहला चांस है। एक बार साल भर का पूरा इसको चला ले तब मालूम होगा कि ये बरसात में कैसा काम करता है और जाड़े में कैसा काम होता है इसका। तो हम थोड़ा इसको एक साल चला ले, फिर उसके बाद पता चलेगा क्या है कि इंजन में हैंडल लगेगा या ऐसे खड़ा रहेगा। वैसे कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, ये जाड़े में भी पानी कम देता है लेकिन पानी दिया करता है, मतलब भर का पानी निकालेगा। क्योंकि अब हम लगवाए हैं तो इसको हम देख लें, उसके बाद हम इसके इंजन को अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो क्या मतलब है इस इंजन का रखने का हमको। ये इंजन भी हम घर पहुंचा देंगे। आप देख लीजिए यहाँ हमारा 35 बीघे का प्लाट है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि वो दूर है ना, आपको दिखता नहीं होगा क्योंकि लंबा थोड़ा लंबाई में प्लाट है ना, 35 बीघे का है ये देख लीजिए। और हमारे 35 बीघे के आर पार जितना है सब कटीला तार लगा हुआ है और सीमेंट के खंभे भी गड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ जानवर भी ज़्यादा आते जाते रहते हैं। ये देख लीजिए। और हम तो भाई यही कहेंगे कि सभी लोग इसको लगवाएं, ये मतलब बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और क्या होता है कि किसान के पास कभी भी पैसे नहीं रहते हैं तो डीजल की व्यवस्था करता है इधर उधर से, लेकिन उसमें पानी हमारा लेट हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आना केवल बटन दबाना है, बस पानी देना स्टार्ट। तो थोड़ा ये लंबी वीडियो हो गई है, अब ये कैसे लिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कहाँ से मिलेगा, ये सब हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम जो है कुछ ऐसी वीडियो जो है इसमें डालते रहते हैं किसानों की, जिसमें फ़ायदा हो, क्योंकि हम भी किसान हैं, हम समझते हैं एक दूसरे की मजबूरी क्या होती है। तो आप लोग देख लीजिए ये मोटर चल रही है, इधर सिंचाई हो रही है, आज हम दवाई भी डलवा रहे हैं एजिल। ये देखिए ये दवा पड़ रही है, उधर लेबर जो है दवाई डाल रहा है। तो दोस्तों अब हमारा यही कहना है कि आप लोग भी कोशिश करिए और इस पंप सेट को अपने अपने जो है यूज में लाइए खेती किसानी में। और इतना ही नहीं, आप अगर चाहें तो इसका ट्राली सिस्टम भी बनवा सकते हैं। ट्राली सिस्टम में ये होगा आपका घर का सारा लोड चलेगा, फ्रिज एसी टीवी कूलर जितना है सब चलेगा, लेकिन आपको ट्राली सिस्टम बनवाना पड़ेगा, उसमें कुछ थोड़ा अलग से खर्चा आएगा आपको। और आपको जहाँ सिंचाई करना है वहाँ भी आप जो है लगा सकते हैं इसको, एक खेत से दूसरे खेत भी ले जा सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो यही बंद करते हैं, अगली वीडियो हम जब डालेंगे तो अभी दो एक दिन में आ जाएगी, तो इसको हम बताएंगे कहाँ से लेना है, कहाँ से क्या करना है, कब इसका मतलब अप्लाई किया जाता है, किस महीने में, यह हम सारा आपको बताएंगे, फुल जानकारी हम आपको देंगे। बस हमारे चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है।
इससे क्या है कि हमारा हौसला बढ़ा रहता है। देख लीजिए इसका परफॉर्म, तो दोस्तों नमस्कार, अब वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, अगला वीडियो हम बहुत जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे।